पांच मिनट बनाया ये, पांच मिनट में तो आजकल बस सर सूअर जैसा हो रहा है। And I'm mistaken, I've been here before, on my body's egg. गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज आप लोगों को दिखा रहे हैं हम पूरी टीम मिलके हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि कल है डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, तो इतना काम है स्पेशली स्केट से रिलेटेड, बैरिंग से रिलेटेड, और क्या क्या करते हैं और क्या फ़ायदा होता है वो सारा आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज ट्यूजडे, आज हमारा किचन ऑफ है और देखते हैं शाम को मैं प्लान कर रहा हूं कि मम्मा के पास जाऊं और थोड़ा सा आज घर का व्लॉग शूट करें, बिकॉज काफ़ी किचन का व्लॉग जरा आप लोग देख रहे हो और प्यार भी बहुत कर रहे हो। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले गाइज ये है इलामदी के है बैरिंग्स, ये अक्षदा के है, रक्षित के, ऐसे नाम लिखना पड़ता कि कोई मिसमैच ना हो जाए। और ये वाले है सेरेमिक बैरिंग, ये है हमारा ये मेरा पुराना वाला है, बहुत पहले वाला है, वो यूज़ कर रहे थे, एक स्टूडेंट को दे रखा था, और एक नॉर्मल बैरिंग्स है। तो फिलहाल देखो यहाँ देखो भाई पूरा, ये देखो रोशन सर भी आए हुए हैं। तो ये कैसा लग रहा है पूरा, देखो गाइस लग रहा है, देखो कितनी मेहनत करता है कोच, बच्चों के लिए मेहनत करना पड़ता है हमें। देखो पूरा व्हील ऐसा चमकाना पड़ता है, सबसे पहले ना उसको चमका देते हैं, क्या नाम है, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो गाइस देख रहे हो ये अक्षदा के स्केट है, तो अभी सारे हार्डविल को ना, हार्डविल कभी पानी में नहीं भिगोना होता वरना उसका हार्डनेस खत्म हो जाता है। तो बाकी ये देखो जैसे ये हार्ड है सॉफ्ट व्हील में आप लोगों को दे, हल्के गीले कपड़े से। तो फिलहाल ये है मेरा रूम और कैसा फैला हुआ है देखो गाइस। ये ऑयल मंगाया था मैंने अपने स्टूडेंट जो कोच हो चुका है, बट ये हम यूज़ नहीं करें, क्या यूज़ करेंगे अब ये दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल ये तो लगे पड़े हैं ये देखो सब, और जो मेन है गाइस वो है ये देखो रखा हमने पॉइजन, ये है अक्षदा के पॉइजन। तो ये रहा अक्षदा, अगर व्लॉग देख रहे तो उसको व्हील का और बैरिंग का बहुत टेंशन रहती है। तो ये रहा अक्षदा, अक्षदा वाले में वाइट है और इधर वाले में ये है, तो पता चल जाए ये अक्षदा मैंने याद कर रखा कि वाइट कपड़े किधर है, ये है रक्षित के। तो ये सॉफ्ट है, इसको आप भिगो सकते हैं और अभी बिल्कुल साफ़ करेंगे एकदम। तो ये है गाइस इसको कम से कम एक घंटा भिगो के रखेंगे, बिल्कुल साफ़ करेंगे जो इसमें गंदगी चिपक रहा है, क्योंकि अंदर अंदर गंदगी होता है ना उससे बैरिंग नुकसान करता है। तो ऐसा है, बाकी घर बिल्कुल अभी शांत है बिकॉज अभी घर में मम्मा नहीं है। तो ये है कुछ कहानी, और आई थिंक कुछ बनाएंगे भाभी सैंडविच कुछ बनाएंगे लग रहा है मुझे। तो ये पेंट आप लोगों को हमेशा दिखाता रहता हूँ कि रूम में लगाऊं, बट अभी रूम में टाइम ही नहीं है लगाने का। तो बस ये थोड़ी देर के लिए बस लाइट ऑन करता हूँ गाइस, बिकॉज आप लोगों को दिख पाए, अच्छी तरह विजिबल हो पाए। तो ये है होम स्वीट होम, और आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई रखा लिली जो बहुत मुश्किल से मिली। गाइस अब मैं निकलने वाला हूँ और रोशन भाई आई थिंक कोई वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ऐसा कला का बुम बुम का जो पेंसिल होता है ना उससे जो बना लो वही बन के तैयार हो जाए, उस तरीके से कुछ बना रहे। आई डोंट नो क्या बना रहे हो, आपको वीडियो में पता चला, व्लॉग बन रहा है या कोई शॉर्ट वीडियो बन रहा है? अच्छा रेस का फेस रिवीलिंग वीडियो बन रहा है। तो गाइज मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं, रोशन भाई की ड्राइंग बहुत अच्छी है और रोहित की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये दोनों ही हैं टैलेंटेड, मैं तो बिल्कुल अनटैलेंटेड। तेरा जो टैलेंट है कुछ और है। तो गाइज ये देखो भाई, किसी का अपना अपना टैलेंट होता है, तेरा टैलेंट थोड़ा डिफरेंट है इसका, और जिस हिसाब से बनाया जा रहा है गाइज मैं बता रहा हूँ साफ है, ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये सच में निकल के बाहर आ जाएगा। और पता नहीं क्या लग रहा, देख ना मेरे 5 मिनट बनाया ये, 5 मिनट पे तो आजकल बस सर सूअर जैसा हो रहा है। मैं तो सो रहा सर इधर है, मैं उधर है सर, वो बैक सोच रहा मैं। यही कमी है, तू थोड़ा डिफरेंट है भाई। तो वैसे मैं तो इधर सोच रहा हूँ, केवल बचपन में नहीं गिरा होता ना तो ठीक रहता, सब गड़बड़ हो गया, तू बचपन में गिर गया। तो गाइस सर के बल गिरने से ऐसा हो जाता है, शेर और सुअर में डिफरेंस नहीं पता चलता। तो गाइस एक चीज बताऊं, मैं अपने घर में जो व्लॉग करने का आनंद है ना वो अलग ही है, सच में बता रहा। एक ये जो वाइट, जब वाइट कैमरे से जो दिखता है ना अलग ही फील होता है। और देखो रायशु खेल रही है वहाँ, देखो रायशु, सच में गाइस सच बता रहा हूँ, रायशु के आने से रौनक आ चुका है ना, मेरा रौनक है। बट देखो इस भाभी रायशु को खिला रही है, देखो एक और बार करना भाभी यहाँ से, देखो भाई छोटे बच्चे आने से घर में एक अलग ही वाइब होती है गाइस, देखो पॉजिटिव। ये देखो कितने महीने, 5 महीने की होगी नहीं,
तो अगले महीने 6 महीने की हो जाएगी भाई, ये देखो भाई। तो गाइज यही है, पूरा फैमिली वाइब आने लगे राइस आने से और ज्यादा। तो अभी क्या है, मैं नहाने जा रहा हूँ, सुबह से मैंने नहाया भी नहीं है। तो आज ट्यूजडे था तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया। अगर आज मंडे होता, वेडनेसडे होता, तो मेरे से ये काम नहीं होता और कुछ ना कुछ रह जाता, मेरे को रात को बहुत ज्यादा लोड हो जाता। तो जो मेन चीज है ना, वो ये समझ नहीं आ रहा कि भैया विंटर कहाँ है, विंटर को नामो निशान नहीं है। मैं आपको देखो इस वाले कैमरे एंगल से, मतलब इधर वाले बालकनी से दिखा देता हूँ। देखो धूप अच्छी खासी निकली पड़ी है, ये देखो अच्छी खासी धूप निकली पड़ी है देखो ना, बट सर्दी कहाँ है भगवान जी, सर्दी ला दो यार, इतने टाइम से मिस कर रहे। तो अभी गाइस मैंने बीच में अपनी एकेडमी के एक कोच से यहाँ स्केटिंग स्टार्ट करी थी, बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, बिकॉज अभी क्या है ना, यहाँ पे फंक्शन ज़्यादा हो रहे, तो फंक्शन होने से क्या होता है ना, लोग ज़्यादा उसमें बिजी हो जाते। तो अभी फ़िलहाल वापस स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस सोसाइटी में रहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे अकेडमी के कोचेस को, मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। फिलहाल तो ये तो मैं आप लोगों को दिखाते हूँ, मेरे को यहाँ से जो खुशी मिलती है ना देखने को, क्योंकि ये अपना घर है यार, ये देखो हमारा खुद का घर। और यहाँ से एक और चीज़ गई, देखो ये टेबल यहाँ लगा दिया हमने, इतना छोटा लग रहा है ये देखो। इस टेबल को वैसे बोला गया था कि हम इसको बनाएंगे लाइक उस टाइप में, बार टाइप में, बट ये टेबल देखो इतना बड़ा बालकोनी है, देखो अंदर कितना बड़ा लगता है ये टेबल, देख रहे हो। तो ये मम्मा आएंगे ना बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि टेबल का यूटिलाइज, ये देखो फ्लावर्स। तो अब निकलने का टाइम हो चुका है, देखो 2-3 दिन पहले इतनी रौनक थी, सारी रौनक ख़त्म हो गई है। तो अब नवरात्रे भी ख़त्म हो गए, दुर्गा पूजा अब आने वाली है, दिवाली। तो गाइज ये जो बिल्डिंग आने वाली है ना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको A to Z चीज़ मिलेंगे, बहुत कॉमर्शियल आने वाले, जितने भी IT कंपनीज़ हैं ना, ये वाली बिल्डिंग्स हैं। तो बाकी आप देख सकते हो गाइज, काफ़ी लोग बोल रहे थे इस सोसाइटी में क्या रेंट पे है और ख़रीदना है तो कितने। गाइज इस सोसाइटी में अब आप सबसे छोटा साइज़ आई थिंक 1300 square feet का घर है, वो भी खरीदोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 CR से ऊपर ही है, मतलब 1 CR। और ये जो सामने है ये है हमारा साइज़, तो ये घर का साइज़ है 2 CR प्लस, 2.10 CR का रीसेल में बिक रहा है, काफ़ी लोगों को खरीदना तो खरीद सकते हैं। और ये टावर ये सबसे बड़े प्रोजेक्ट है यहाँ के। और ये जो इधर वाले, ये 2 BHK है, 3 BHK, 3 BHK छोटे साइज़ में। नेगी भाई इन द हाउस, और नेगी भाई की 2 करोड़ की जॉब लग गई है, जमुना पार के लड़के। अभी नेगी भाई जमुना पार के हो ना, जमुना पार का इतना फेमस क्या क्या स्टोरी उसके पीछे, कुछ मतलब क्या है जमुना पार लेजेंड लोग रहता है कि मतलब आपका जमुना पार होती है आपका घर है, लेजेंड लोग जो लेजेंड बनते हैं ना आगे जाके जब वो रहता है। अच्छा अच्छा ये कारण है, मैं सोच जमुना पार में ऐसा कुछ होता होगा जो नहीं बोलते यार, इससे मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इससे खत्म हो जाता है भाई आपकी टॉपिक ही, जो होते लेजेंड होते हैं आगे जाके वो जमुना पार में रहते। कौन है भैया, कौन है? अरे छमा मम्मा यार ब्लॉग कर दो। देखो गाइज अब आ रही है, मैंने सोचा मम्मी आएंगी 8-8:30 बजे, अब आ रही है मम्मा। यार दोनों क्या हरियाली बन के घूम रहे हो, ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा बन के घूम रहे हो ना। तो गाइज और डिनर क्या बना रहे हो अभी? घिया है चावल। तो गाइज घिया और चावल ऑब्वियसली छमा क्या सबके लिए बनेगा, कभी ऐसा छुट्टा है क्या? पता क्यों नहीं जाता, न्यूज़पेपर में अखबार में न्यूज छप गया है अम्बिका छमा और मम्मी आ रही है। बट आप लोगों का ये ड्रेस देख के ना एकदम से ऐसा लगा मैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। कौन? अरे जब ये बड़ा हो सकता है तो वो बड़ा क्यों नहीं हो सकता। अरे ये तो मैं जान के फुला के रखता हूँ। आज मम्मा का देखो ना लुक देखो, और छमा का कपड़ा तो देख ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा आजकल वो करके घूमते ना ट्विन। हर आते सीधा राइशा के साथ लग गए छमा। ये देखो भाई छमा कहाँ गए आज, वैसे कहाँ से होके आ रहे हो? आपका तो चेहरे से लग रहा है बहुत अच्छी तरह सोए हो। और मम्मी सोई कि नहीं सोई? मम्मा आप सोए नहीं सोए आज? नमस्ते, खड़े नमस्ते। आज
तो गाइस मम्मा भी आ गई है, छेमा भी आ गए और मम्मा आती देखो लग गई देख रहे हो। तो गाइस अब ब्लॉग को एंड करने का सही टाइम हो चुका बिकॉज कल मेरे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन है और होप्स तो अच्छा रहे और पहला दिन पहले भी अच्छा ही था, कल भी अच्छा हो और परसों भी अच्छा हो तो अभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, आई होप तो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं वीडियो ब्लॉग सर, टाटा बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।